हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक्यूसी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष और आज हम देखेंगे कि सेल्फ ऑनलाइन मॉड्यूल चलाना कैसे है, इसमें क्या क्या आपके डाउट्स आ सकते हैं कि कैसे कैसे ये लोग ट्रैक करेंगे, कैमरा कैसे ऑन करना है, मैं सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। तो देखिए करना क्या है, जैसे ये ए बी सी डी आपके सेट्स हैं, आपके ऊपर कौन से एप्लीकेबल हैं मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ आप, जिससे ये LMS पोर्टल पर आ जाएँ। उसके बाद LMS पोर्टल पे आने के बाद ये आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे क्या क्या मुझे देखना है, वो ए और बी है तो ए और बी मुझे देखना है तो ये मुझे शो कर रहा है। आपका हो सकता है बी एग्जेम्प्ट हो, मतलब जैसे SCM आपका ग्रुप टू क्लियर है और SCMP एग्जेम्प्ट है, तो आपको बस सेट ए यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर देखो कवरेज दिखा रहा है कि अभी 0% कवरेज मैंने, मतलब जीरो कंप्लीट किया है, मतलब एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि मैंने अभी बस SCMP का एक चैप्टर का एक टॉपिक देखा है पूरा। वो कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अभी जीरो आ रहा है क्योंकि मैंने एक चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है। टोटल 28 चैप्टर्स हैं लॉ और SCMP को मिलाकर, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड में यहीं आता है ऊपर, ठीक है। इसके बाद देखिए ए सेट बी सेट। अब बी सेट में मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पर मुझे सारे चैप्टर्स दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक किया तो ये, रुक जाओ एक मिनट, ये इसका ये स्लो ही चल रहा है, मैं इस पर ना जाके आपको, एक मिनट ये दोबारा से लॉग आउट हो गया। आपको इस इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी चाहिए होगी इसको चलाने के लिए, वैसे मेरी इंटरनेट स्पीड फास्ट है, देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो आप देख भी रहे होगे, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर LMS पोर्टल में भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आपको आएगा। मुझे नहीं पता अब सबका आएगा कि नहीं आएगा, बट मेरा तो आ रहा है। मतलब अब ये देखो यहाँ पर ये कंटिन्यू विद मॉड्यूल वन, जैसे ही आप ये ए और बी सेट में से पहला चैप्टर देखना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर ये कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा कि चैप्टर वन अपना कंप्लीट कर लो। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे आज मैंने मान लो कॉस्ट का एक चैप्टर देख लिया, तभी मैं लॉ का एक चैप्टर उठाऊंगा, जिससे कि मेरे को भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे और यहाँ पर मेरा कंटिन्यू विद मॉड्यूल वन जो ये दिखा रहा है इस पर मैं क्लिक करके देख सकूँ। तो अब देखिए जैसे मैंने ये कंटिन्यू विद मॉड्यूल वन किया तो ये मॉड्यूल वन चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आ गया। इसके ये 8 टॉपिक्स आ चुके हैं, 8 में से देखो ये जो 2 व्हाइट कलर के हैं, बाकी सारे तो देखो आपको ब्लू दिखा रहा है। अब ये 2 व्हाइट क्यों हैं, क्योंकि पहला वाला टिक हो चुका है, 28 मिनट्स की वीडियोस मैं देख चुका हूँ। सेकंड वाला इसमें येलो मार्क दिखा रहा है कि मैं अभी ये वीडियो देख रहा हूँ, मतलब मैं इसकी हाफ वीडियो देख चुका हूँ, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया था। अब ये देखो जैसे मैंने सेकंड पे क्लिक किया तो क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मेरी क्लास शुरू हो चुकी है, फिर ये मेरे से पूछ रहा है क्या आपको क्लास वहाँ से ही शुरू करनी है जहाँ आपने छोड़ी थी। मैंने कहा ओके। तो देखो यहाँ पर मेरा ये कैमरा आ चुका है, ये पर्सन आ चुका है जो मुझे पढ़ा रहा है, और मतलब ये टीचर आ चुके हैं सॉरी, और ये मेरा कैमरा आ चुका है यहाँ पर। ये कैमरा आपका ज़रूर आएगा, पहली बारी में जब कैमरा आएगा तब आपको यहाँ पर ऑप्शन में पूछेगा, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है कि ऑलवेज शो द कैमरा। मैं एक मिनट ये बाहर निकल जाता हूँ वरना ये मेरी रिकॉर्डिंग भी होती रहेगी यहाँ पर। तो ये जैसे ही हमारा कैमरा ऑन हो जाता है तो वो लोग हमें देख सकते हैं, तो और वो लोग हमें देख सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई पर्सन होगा आपको अभी देख रहा होगा तो आप बच जाओगे अगर आप यहाँ मस्ती कर रहे हो, तो नहीं, आंसर इज नो, आपकी ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब वो पर्सन कभी भी जो भी आपके ऊपर इन्विजिलेटर होगा वो चेक करेगा आपको, तो वो आपकी कोई भी हिस्ट्री में जाके कोई भी वीडियो चेक कर सकता है, तो इसके लिए तैयार रहें। मैं ये कहूँगा कि अगर आप मान लो आपने कोई ब्रेक लिया है, आप अपना उठ के जाते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके उठ के ना जाएं। मेरा एक रिकमेंडेशन है कि आप वीडियो को पॉज ना करें, आप बैक कर दें, क्योंकि जब भी आप वीडियो चलाते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बैक करें, कभी भी पॉज करके उठ के ना जाएं, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। गलत इंप्रेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना हमें। और डाउट जो आपका आ सकता है वो यही है, एक तो ये टिक हो गया, ये हो गया, कैमरा का मैंने आपको बता ही दिया है, और आप ये डैशबोर्ड में आपका ये पूरा टोटल, अब देखो परसेंटेज मेरा यहाँ जीरो दिखा रहा है, जैसे ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि 13 चैप्टर्स हैं, तो जितना भी यहाँ पर परसेंटेज रहेगा 8-9% वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने पूरा बनाया है, ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको इसका मतलब कभी कभार पेज लोड करने में, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम मैंने अभी तक देखी नहीं है, सब कुछ डैशबोर्ड से ही वो है, कंट्रोल्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉलेज लाइब्रेरी एंड ऑल दैट, यहाँ पर बुक्स वुक्स हैं आप देख सकते हैं, बाकी इन्होंने काफ़ी सी है सारी चीज़ें तो कमिंग सून में आ रही है, अभी कुछ आया भी नहीं है इनके पास, तो बाकी तो सब कुछ डैशबोर्ड से कंट्रोल हो जाएगा। और आप ये दोनों देख लीजिए, अपना कंप्लीट कीजिए, ये जो पूरा नीचे सर्कल है ना डैशबोर्ड में सबसे लास्ट में, इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, अभी जो मेरा जीरो है, ठीक है, और यहाँ पर ये परसेंटेजेस, बस इसको हमें पूरा देखना है कैसे भी नवंबर से पहले। तो ठीक है दोस्तों, हस्ताला विस्ताला, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।